सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली के शतक से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का आखिरकार दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीरीज का पहला मुकाबला तो पूरी तरीके से बारिश की भेंट चढ़ गया था, लेकिन दूसरे मुकाबले की शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी रही क्योंकि जिस मैदान में यह मुकाबला कराया जा रहा है वहां पर मौसम पूरी तरीके से साफ था। आज वक्त पर टॉस होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बहरहाल हम सभी ने देखा कि T20 सीरीज में लगातार टॉस जीतने के बाद विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन इस बार उनका फैसला कुछ और था। खैर उससे पहले आपको बता दें कि दोनों ही टीमों में इस मुकाबले के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। भारतीय टीम तो सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरी, साथ ही वेस्टइंडीज की टीम में भी कोई बदलाव नहीं। अब पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेकर मैदान में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। रोहित शर्मा तो अपने आप को क्रीज पर सेट करने की पूरी कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन इतने में ही शिखर धवन अपना विकेट गवा बैठे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मात्र 3 गेंदों पर 2 रन लगाकर ही शिखर धवन अपना विकेट गवा बैठे, जिसके बाद बल्लेबाजी का सारा दारोमदार आ गया कप्तान विराट कोहली व रोहित शर्मा के कंधों पर। विराट कोहली तो आज मैदान में अलग ही फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए दिखे, साथ ही किसी को पता ही नहीं पड़ा कि इतनी ज्यादा रफ्तार से बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। 61 गेंदों का सामना करके ही कप्तान कोहली 53 रन बना चुके थे, लेकिन इस दौरान रोहित शर्मा काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वह अपनी पारी में 34 गेंदों का सामना करके महज 18 रन ही लगा सके और उनका विकेट भी गिर गया। और दोस्तों रोहित शर्मा के आउट होने से पहले ही, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, रोहित शर्मा तो आउट हो गए, लेकिन फिर उनका साथ देने के लिए मैदान में आ चुके थे बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने शुरुआती दौर में बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन फिर वह भी 20 रन पर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी का सारा दारोमदार आ गया था विराट कोहली के कंधों पर क्योंकि श्रेयस अय्यर तो अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे। और दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋषभ पंत तो आज महज 20 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद आज फिर किंग कप्तान विराट कोहली ने मैदान में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को जारी रखा और अकेले ही वेस्टइंडीज की टीम के गेंदबाजों से भिड़ गए। और ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी को जारी रखते हुए कप्तान कोहली ने न सिर्फ अपना शतक जड़ा बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। फिर आगे चलकर विराट कोहली 120 रनों पर आउट हो गए और श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की कमान को बखूबी संभाला। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे ओडीआई मुकाबले में आज विराट कोहली के साथ साथ श्रेयस अय्यर का शो भी देखने को मिला। दोस्तों मात्र 68 गेंदों का सामना करते हुए श्रेयस अय्यर ने 1 छक्के व 5 चौकों की मदद से अपनी पारी में 71 रन जड़ दिए। अब एक खिलाड़ी जिसे वेस्टइंडीज दौरे पर पहली बार खेलने का मौका मिले और वह 71 रन जड़ दे, वह भी 4th नंबर पर आकर, उससे अच्छी बात ऐसे समय में भारतीय टीम के लिए क्या हो सकती है। आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी भले ही कमजोर रही, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कप्तान विराट कोहली का साथ दिया और उनके आउट होने के बावजूद अपनी टीम के बल्लेबाजी क्रम को काफी अच्छे से भी संभाला। हालांकि फिर 71 रन बनाकर श्रेयस अय्यर आउट हो गए और वे अपने शतक से जरूर चूक गए थे। और दोस्तों श्रेयस अय्यर के 71 रनों पर आउट होने के बाद तो जैसे भारतीय टीम को और कोई बल्लेबाज आज रन नहीं बना सका। रविंद्र जडेजा और केदार जाधव ने अपनी अपनी पारी में 16 रन जरूर जुटाए, लेकिन फिर टेल एंडर्स बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सके, जिसके बाद 50 ओवर की इस पारी में 7 विकेट गंवाकर कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम ने 280 रनों का टारगेट विरोधी टीम को दे दिया था। दोस्तों आज तारीफ करनी होगी श्रेयस अय्यर व कप्तान विराट कोहली की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी वह वाकई में काबिले तारीफ है और उसके बलबूते पर ही भारतीय टीम यहां तक पहुंची। साथ ही अंत में रविंद्र जडेजा और केदार जाधव ने भी अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश भी करी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी के चलते अब उन्हें अगले मुकाबले में खेलने का मौका देना चाहिए नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।